वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें रीनीट के लिए। अब तक नीट पेपर लीक को ये मामला सामने आ रहा था कि जो भी सोशल मीडिया पर पेपर लीक के मामले चल रहे हैं वो सब अफवाह है, लेकिन इस प्रूफ के साथ में स्पष्ट हो जाता है कि पेपर लीक कन्फर्म हुआ है और ये ओरिजिनल प्रूफ है। ये जो आप देख रहे हैं ये पुलिस की FIR है, और FIR में एक लड़के ने कबूल किया है और उसका कबूलनामा है, और इस प्रूफ से स्पष्ट होता है कि पेपर लीक एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही हो गया था, और जो एग्ज़ाम देने गए थे उनको पहले ही पेपर दे करके उत्तर के साथ में उनको एग्ज़ाम पेपर रटवाया गया, फिर उसके बाद में वो एग्ज़ाम देने गए थे एग्ज़ाम सेंटरों पर। जिन अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया है उन्होंने अपने बयान में कबूल किया है और उस कबूलनामा को FIR में दर्ज किया है। ये पुलिस की FIR की कॉपी है जिसको आप देख सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने पेपर को पहले से ही प्राप्त कर लिया था और पहले से उसकी तैयारी कर ली थी रटने की। 4 मई की शाम को उनको पेपर मिल गया था। आरोपियों ने FIR में ये भी बताया है कि जब उनको पेपर दिया गया था तो उसके साथ में 25 अभ्यर्थी और थे, 20 से 25, और उनके अलावा उन्होंने 35 अभ्यर्थियों को और पेपर उपलब्ध कराया था। तो ये तो कबूलनामे में है, इसके अलावा और कितने लोगों को पेपर भेजा गया होगा इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इस ओरिजिनल प्रूफ के साथ में ये स्पष्ट हो जाता है कि नीट 2024 रीनीट कन्फर्म है और पक्का होगी, और इसकी एग्ज़ाम डेट आपको जल्दी ही मिल जाएगी, और इसके लिए कोर्ट का आदेश जल्दी से जल्दी NTA को दे दिया जाएगा। आप री एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि अब से पहले री एग्ज़ाम करवाने के लिए सिर्फ अफवाह ही चल रही थी, लेकिन अब ओरिजिनल प्रूफ भी मिल गया है और इस प्रूफ के साथ में री एग्ज़ाम होना तय है। तो ये आपने देख लिया है ओरिजिनल प्रूफ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीट की एग्ज़ाम 13 लाख अभ्यर्थियों ने दी थी और इसमें से 1.5 लाख सीटें ही MBBS की है, यानी कि 1,10,000 के करीब लगभग। और जब इस तरह से पेपर लीक हो जाते हैं तो फिर इन सीटों को पेपर लीक करने वाले ही लोग ले जाते हैं और बाकी जो मेहनत करने वाले रह जाते हैं। अगर आपके सही नंबर आ रहे मेहनत करने वाले विद्यार्थी अपनी मेहनत से एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, उनको प्रश्न भी पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के बाद में उनके सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं और उनमें टाइम लगता है, तो बहुत ही कम ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो पूरे के पूरे क्वेश्चन कर पाते हैं। पूरा समय मिलने के बावजूद भी उनके कुछ प्रश्न छूट जाते हैं, लेकिन जो रटने वाले होते हैं जिनको पेपर पहले से ही आ जाता है उनको पेपर करने में कोई परेशानी नहीं आती, उनको सिर्फ उत्तरों के टिक लगाने होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं, यानी कि उनको सीट नहीं मिल पाती है, और जो पेपर खरीदने वाले होते हैं उनको सीटें मिल जाती हैं। तो ये री एग्ज़ाम होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या री एग्ज़ाम होना चाहिए। पेपर लीक मामला बहुत ही गंभीर समस्या है। आरोपी ने कबूल किया है कि उनको 40 लाख रुपए में पेपर मिला है, यानी कि एक अभ्यर्थी को 40 लाख रुपए में पेपर बेचा है, और जिन अभ्यर्थियों ने पेपर खरीदा है उन्होंने भी दूसरे को बेचा होगा, ये तो क्लियर ही है, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इस तरह से यह पेपर 20 से 25 और 25 से 35 और 35 से जाने कितने लोगों के पास में गया होगा। तो ये तो था ओरिजिनल प्रूफ, और इसमें 13 आरोपियों को हिरासत में लिया है और इसमें कई डमी कैंडिडेट भी बैठे हैं जो पकड़ में आए हैं, और इसके अलावा और भी कई डमी कैंडिडेट होंगे जो पकड़ में नहीं आए होंगे। यहाँ तक तो देखिए, जो जो स्टूडेंट MBBS कर रहे हैं उन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया है दूसरे की जगह पर बैठ करके। पेपर लीक का मामला 5 मई से सामने आ गया था, और 5 मई को जो पेपर लीक हुआ था उसकी जानकारी जैसे ही सोशल मीडिया पर मिली थी उसी के साथ में ही लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, तभी
एनटीए का नोटिफिकेशन आता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने इस पेपर लीक मामले को इस बात से दबा दिया कि जो पेपर लीक हुआ है वो सवाई माधोपुर से हुआ है, जबकि बागे में ऐसा नहीं है। पेपर लीक 4 मई को ही हो चुका था। एनटीए को एक तरह से सपोर्ट मिल गया कि जो माधोपुर में सेंटर पर जो लड़के बाहर आए थे उन्होंने इस पेपर लीक मामले को दबा दिया था, ताकि तो इस वजह से एनटीए ने पेपर लीक मानने को इनकार कर दिया। फिर उसके बाद में जैसे सोशल मीडिया पर तेजी से आवाज चली कि पेपर लीक हुआ है, तब एनटीए ने अपने फिर दूसरे नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया कि भाई एग्जाम पूरी तरह से क्लियर हुई है, उसमें किसी प्रकार की कोई पेपर लीक जैसी कोई भी समस्या नहीं आई है। और जब मामला पुलिस के पास गया, पुलिस से फिर कोर्ट में गया, तब जाकर के ये खुलासा हुआ है। पुलिस भी पहले तो इनकार कर रही थी कि पेपर लीक नहीं हुआ है, वो भी इस बात को दबा रही थी, लेकिन जब मामला कोर्ट में गया तब उनको अपनी जो एफआईआर थी उस एफआईआर को पब्लिश करनी पड़ी, और तब जाकर के ये बात क्लियर हो पाई है कि पेपर लीक हुआ है और 100% हुआ है, और अब री एग्ज़ाम भी 100% होगी, और ये पूरी की पूरी ऑल इंडिया लेवल पर होगी। अब ये एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल पर हो, इसके लिए आप सभी को सपोर्ट करना है, आपको भी आवाज़ उठानी है, नहीं तो इस पेपर लीक मामले को जिस तरह से दबाया गया था एनटीए के द्वारा, उसी तरह से जो री एग्ज़ाम है इसको भी दबा दिया जाएगा। जब तक आप सामने नहीं आओगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए अभी भी आपको उसी तरह से मेहनत करनी है जैसा तुमने इस पेपर लीक की जो एफआईआर कॉपी है इसको पब्लिश करवाया है उसी तरह से। अब पेपर लीक मामला तो क्लियर हो गया है, लेकिन अब आपको एनटीए के ऊपर दबाव बनाना है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए, तभी जा कर के एनटीए एग्ज़ाम करवाएगा, अन्यथा एनटीए बिल्कुल भी एग्ज़ाम कराने के मूड में नहीं है। जितने भी सोशल मीडिया कार्यकर्ता है और जितनी भी है वो सब अपनी आवाज़ उठाएं और एक आवाज़ में सभी कहे कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, तभी जा कर के री एग्ज़ाम होगी। और इसके लिए आपको सभी को एकजुट होना होगा, बिना एकजुट हुए ऐसा संभव नहीं है। यहाँ तक कि जो पेपर लीक मामले हैं उन मामलों में जिन पुलिस वालों के सामने हकीकत आई थी पेपर लीक की, उन्होंने सोशल मीडिया को यानी कि मीडिया को अपना नाम बताने से इनकार किया है, कई जगहों पर ऐसा सुनने में आया और देखने में आया है। तो ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि हर कोई चाहता है कि री एग्ज़ाम नहीं हो, पेपर लीक का मामला दबाया जाए, लेकिन जब आप लोग आवाज़ उठाओगे, जनता आवाज़ उठाएगी, तब जा कर के जो सरकारी कर्मचारी है वो भी मानने को तैयार होंगे, नहीं तो कोई भी नहीं चाहता अपने ऊपर जोखिम में लाना। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।